हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू रोज, अकॉर्डिंग टू सेले एंड अकॉर्डिंग टू हरलॉग। तो उन सभी का जो मेन था वो क्या था, इन्फेंसी पीरियड था। जो हमारे साइकोलॉजी में माना जाता है वो सबसे पहला पीरियड इन्फेंसी पीरियड माना जाता है, यानी कि जो कोई 1 to 3 हमारा कंसिडर करता है, समटाइम्स इट कंसिडर्ड एज 0 to 3। तो उसमें जो बच्चे की फैक्टर्स होते हैं इन्फेंसी पीरियड में, जो विशेषताएं होती हैं, वो इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज इन्फेंसी पीरियड के बारे में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें जो हमें आज पढ़ना है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा इन्फेंसी पीरियड के बारे में है, वो है फास्ट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। यानी कि इन्फेंसी पीरियड क्या होता है, जो बच्चा छोटा होता है 1 to 3 ईयर्स का होता है, यानी 1 से 3 साल का होता है, तो उसका सबसे पहले क्या होता है, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स का इसमें किससे मतलब है, इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स से मतलब है फिजिकल एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट्स, मोटर एस्पेक्ट्स से है। यानी उसमें बच्चे का बहुत तेज फास्ट डेवलपमेंट होता है। अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूँ, तो फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे की हाइट, वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी बच्चे का बहुत तेजी से बढ़ता है। बच्चा नई नई चीज़ें करता है, खुद से ही खेलता है खिलौनों से, और उन खिलौनों को और अपनी इमेजिनेशन यूज करके वो करता है, तो क्या वो सब मेंटल एस्पेक्ट्स है उसका। उसके बाद है उसके मोटर स्किल्स, यानी कि वो बॉल पकड़ना, किसी चीज को ग्रैब करना ये सीखता है, वो चलना सीखता है बच्चा स्क्रोलिंग से, तो वो क्या है, वो मोटर स्किल्स उसके डेवलप हो रहे हैं। तो और इसके अलावा एक होता है आपका फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, यानी बच्चे के इमोशंस भी बहुत तेजी से चेंज होते हैं। कभी तो बच्चा अकेले रहना, अकेले अकेले खेलना अच्छा लगता है उसको, फिर वो सभी के, अगर घर में कोई और भी बैठा है तो उसके पास चला जाते हैं, यानी कि उसको सबके साथ खेलना भी फिर अच्छा लगने लगता है, तो ज़्यादातर सबके बीच में बैठना उसको अच्छा लगता है। तो ये क्या इमोशनल चेंजेस हैं जो डेवलपमेंट हो रहे हैं क्यों, तो यही है फर्स्ट पॉइंट, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका, डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स। अब जो बच्चा होता है 1 से 3 साल का, वो क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स के ऊपर बहुत वो डिपेंड होते हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि उनके इमोशंस के लिए वो पर डिपेंड रहते हैं, और अपनी सारी नीड्स फुलफिल करने के लिए वो उसके पास रहते हैं, अपनी जिद मनवाने के लिए बच्चे उनके साथ रहते हैं, अपनी ज़रूरतें। अगर बच्चे का छोटा बच्चा जो 1 से 2 साल का बच्चा है, वो भूख लग रही है वो नहीं कह सकता, तो क्या है, वो उसके लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है। तो यही चीज है कि सेकंड क्या है, डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स। थर्ड है हमारा सेल्फिश एंड अनसोशल। अब छोटा बच्चा क्या होता है, बहुत सेल्फिश और अनसोशल होता है, यानी उसको किसी से कोई मतलब नहीं है उसके साथ, उसको कोई मतलब ये कि अगर उसका कोई चीज़ आप उसको दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनसोशल होने का बच्चे का, कि वो अपनी चॉकलेट किसी के साथ शेयर नहीं करेगा कभी भी। तो क्या है, वो सेल्फिश कि मैं तो इसको पूरा लूंगा और शेयर भी नहीं करूंगा किसी को। तो ये हमारे सेल्फिश एंड अनसोशल है। एंड फाइव जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो है इमोशनली अनस्टेबल। बच्चा इमोशनली अनस्टेबल होता है सडनली, क्योंकि आप देखें बच्चा बैठा हुआ है, सडनली वो रोने लगा, उसको कुछ और चाहिए, आपने वो चीज़ उसको प्रोवाइड करवा दी तो फिर वो उसको कुछ और चाहिए, तो क्या है इमोशनली अनस्टेबल है। अगर आप वो एक घर में अगर 4 जने हैं, अगर वो किसी एक की गोदी में है बच्चा, किसी एक ने उसे पकड़ रखा है, तो उसको दूसरे के पास जाना है, दूसरे के पास है तो उसको तीसरे के पास जाना है, तो ये क्या है इमोशनली अनस्टेबल है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी। अब देखिए जो डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी है, रोट मेमोरी क्या होता है, रटना किसी चीज़ को, जैसे हम बच्चे को बुलवाना सीखते हैं, बोलो मम्मा पापा, तो बच्चे क्या है उसको बोलना सीखते हैं, और रोट मेमोरी से ही सीखते हैं वो, और फिर बार एक बार जो वर्ड सीख जाते हैं ना, तो बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, जो हम लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या है डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी। इसके बाद है सिक्स पॉइंट हमारा, फास्ट लर्निंग प्रोसेस। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, 1 से 3 साल की एज में बच्चे को आप गिलास पकड़ाना सीखते हैं, सिखाते हैं कि वो कैसे गिलास पकड़े, खुद से पानी पीना है, दूध पीना है, और उसको खाना सिखाते हैं, आप चलना सिखाते हैं, पहले उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर वो अपने आप चलना सीखता है। तो ये सब क्या है, वो फास्ट लर्निंग प्रोसेस है उसका, कि वो बहुत तेजी से सीख रहा है चीज़ों को। इसी एज में हम बच्चों को ABCD भी सिखाते हैं ओरली, कि हाँ कैसे आपको वर्बली बोल सकते हो, तो ये क्या है सब फास्ट लर्निंग प्रोसेस है। सेवेंथ है कॉपिंग टेंडेंसी। जो कॉपिंग टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, कि बच्चा कॉपी करता है। आप बच्चे के सामने जैसे करोगे, अब पापा है सुबह जा रहे हैं बच्चे के पापा ऑफिस में टिफिन पकड़ के, तो बच्चा क्या करेगा,
उसको कॉपी करना करता है बच्चा, अगर दो तीन भाई बहन है घर में या और भी कोई है तो उनके सामने ऐसे कॉपी करके दिखा देगा वो आपको। तो ये क्या है, उसकी कॉपिंग टेंडेंसी है। या फिर किसी बड़े ने कोई वर्ड बोला तो वो बच्चे वो वर्ड रिपीट कर रहे हैं साथ साथ, चाहे उनके आपने उनके सामने कह दिया, चाहे आपने ध्यान नहीं दिया कि वो सुन रहा है नहीं सुन रहा, पर वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो ये क्या है, कॉपी टेंडेंसी। अब इसके बाद है 8 पॉइंट, टाइम कॉन्सेप्ट नॉट डेवलप्ड। अब देखिए ये तो छोटे बच्चे में टाइम कॉन्सेप्ट कोई होता ही नहीं है कि उसको कि आप कहो कि बेटा तुझे 8 बजे उठना है तो 8 बजे उठ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है क्या उसका। या फिर उसको है कि मैंने तो 12 बजे खाने का ही टाइम हो जाएगा, नहीं होता वो, क्योंकि उसमें टाइम टेंडेंसी है ही नहीं, उसका टाइम कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं हुआ। इसलिए ना तो उसको वो तो जब जिद करेगा आपको तभी उसको देना है। तो इसके बाद हमारा 9 पॉइंट आता है सेल्फ असर्शन। सेल्फ असर्शन क्या होता है, खुद के लिए, कि उसको लगता है कि कोई भी चीज़ अगर घर में आ रही है तो वो सिर्फ मेरे लिए है। अगर आप उसके किसी भाई बहन के लिए कोई चीज ले आए, कोई टॉय ले आए, तो उसको लगेगा ये तो मेरे लिए है। तो वो क्या है, सेल्फ असर्शन, कि बस मुझे प्यार करे, घर के जितने लोग हैं सब मुझे चाहे, जो टॉय आ रहे हैं वो सब मेरे हैं। तो ये सब क्या है, सेल्फ असर्शन। इसके बाद आता है 10 पॉइंट, 10 पॉइंट है सेक्स टेंडेंसी। अब देखिए सेक्स टेंडेंसी क्या है बच्चे के अंदर, ये माना जाता है, ये साइकोलॉजिकल प्रूवल भी है, कि जो बच्चे का सेक्स टेंडेंसी होता है वो टीनेज के बराबर होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो छोटा, अगर बेबी बॉय की बात करें तो वो क्या होता है, मदर की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है वो, अपनी मम्मा के पास वो ज्यादा रहना पसंद करता है। और जब बेबी गर्ल की बात हम करते हैं, जो छोटी बच्ची की बात करते हैं, तो वो पापा के साथ बड़ा अट्रैक्शन होता है बच्चियों का, है ना, तो वो पापा के साथ रहना पसंद करती है। तो क्या होता है, सेक्स टेंडेंसी होता है। तो 11 पॉइंट हमारा इसके बाद प्लेइंग हैबिट्स। प्लेइंग हैबिट्स क्या होती है, अब देखिए बच्चा है ना, आप बच्चे कोई बोल दे दो छोटे बच्चे को, या कोई लाइट जलता हुआ खिलौना दे दो छोटे बच्चे को, 1 से 2 साल के बच्चे को, तो उसमें लगा रहेगा, अपने आप ही खुद ही खेलता रहेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। बट वो क्या होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर अगर उसके साथ कोई और भी बैठा है ना, तो वो टॉय लेके उनके पास जाएगा कि तुम चलाओ इसको, वो खुद से ही चलाएगा, वो उनके पास लेके जाएगा, उनके साथ खेलेगा, और अगर घर वाले ध्यान नहीं देंगे ना तो वो रोना शुरू कर देगा वहीं पे। तो ये क्या, प्लेइंग हैबिट्स, कि वो पहले अकेला खेलता है फिर सबके साथ में बैठ के खेलना शुरू करता है वो, और सबके साथ में थोड़ा थोड़ा मिलना जुलना शुरू करता है वो। तो इसके बाद हमारा 12th पॉइंट है लैक ऑफ मोरालिटी। यानी छोटे बच्चे में देखिए मोरालिटी तो बिल्कुल होती ही नहीं है। मोरालिटी मतलब मोरालिटी का होता है कि अच्छी भावना होना, या फिर हम कहते हैं कि जैसे कि अगर छोटे बड़े बहन ने कुछ मांग लिया तो भाई ने दे दिया, ऐसा नहीं होता छोटे बच्चे में, तो उसकी बहुत ज्यादा कमी होती है। जैसे अभी मैंने बताया था, अगर आप चॉकलेट शेयर करने के लिए जाएंगे तो वो करेगा नहीं जल्दी से तो दैट इज लैक ऑफ मोरालिटी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आओगे। अगर ये इन्फेंसी पीरियड के हमारे वो फैक्टर्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, और इसके बाद मैं आपके साथ एजुकेशन कैसी होती है इन्फेंसी पीरियड में वो शेयर करूंगी। इन्फेंसी पीरियड में बच्चे कैसे पढ़ता है, उसको एजुकेशन कैसे दी जाती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और इसके साथ में मैं आपको जो मेरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट्स करवाए थे, और जो मैंने इन्फेंसी की स्टेजेस शेयर की थी आपके साथ रोज एंड सैले के, तो वो भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप वो देख सकें और आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।